जैसे आपने कई दिन पहले वीडियो में बताया था कि कैंसर का इलाज ठीक किया है और हमारे पास में कैंसर का मजबूती से हमने जड़ी बूटी अपने आप खोज के इलाज किया और पेशेंट ठीक हुए हैं, क्या बात सही है? बिल्कुल अटल सत्य है। 20 दिन में मात्र आपके कोलेस्ट्रॉल से लेकर हर चीज़ में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिनका हार्ट में कोई भी समस्या है, हार्ट में ब्लॉकेज है, रुकावट है, कुछ भी है जी जी, तो वो रोगी एक बार यहाँ जरूर पहुँचें। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों, मेरा हाजुर राम राम। मैं फिलहाल पहुँचा हूँ चरखी दादरी क्षेत्र में। मानव सेवा संस्थान के संस्थापक जो है हमारे पास मौजूद हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी, लेकिन आज बुलावा फिर हो गया। दर्शकों की डिमांड के मुताबिक कुछ चीज़ें और पूछना चाहते हैं कि यहाँ किस किस चीज़ का इलाज हुआ है। हमारे पास में काफ़ी कॉल आई हैं और मैं फिर आपको जनता के सामने बैजी को रूबरू करवाता हूँ, कुछ बातें और जानेंगे। और सर जी, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्रणाम, वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन पूरी संस्थान की तरफ से। जी, 10 से 15 दिन पहले सर, कुछ समय पहले एक वीडियो आपकी और डाली थी हमने जी। लेकिन दर्शकों का बुलावा फिर हो गया जी। और सबसे पहले जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया था, ये हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये हमारा हमारा नहीं, इनका भी है, आपका भी है। और कई बार देखते हैं सर, डॉक्टर हैं, बैद जी हैं, वो ऊंची ऊंची मोटी मोटी कुर्सियों ऊपर बैठे होते हैं, आप हर बार नीचे क्यों बैठे मिलते हो जी? देखो, सबसे पहली बात है कि जननी माता और एक धरती माता जी, तो इनके जो जितना संपर्क में रहता है, धरती माँ के अंदर ऐसा ही नहीं, इसको माँ कहा गया। एक तो लालन पोषण करना जी, एक गोद में रखना, दूसरा खनिज लवणों को पैदा करना। 16 प्रकार के खनिज लवण मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं जी जी, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने हमें दी। तो इसलिए धरती माँ के टच में रहना मुझे बहुत ही पसंद है जी जी। ये इसलिए यहाँ पे कहते हैं डाउन टू अर्थ रहना, घमंड ना रहना, तो ये धरती माँ सिखाती है। जैसे पहले बताया आपने किडनी का, कैंसर का, काफ़ी लोग खुश हुए, हमारे पास में काफ़ी सारे कॉल आई हैं, लेकिन आज कुछ लोग और भी हैं, जैसे हार्ट का है, शुगर का है, कई बीमारियां और सामने आ रही हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जनता जानना चाहती है उनके बारे में, कैंसर और किडनी के अलावा और शुगर और कई बीमारियां, घातक बीमारी और फैली हुई हैं, उनके बारे में चर्चा और करेंगे, क्या क्या इलाज है उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ संस्थान के अंदर हम बता चुके हैं कि जैसे हमने कैंसर पे आज परमात्मा का कृपा है कि हम पहुँचे हैं रिजल्ट्स के ऊपर, हमने किडनी रोगियों पे अच्छी विजय हासिल की। अभी संस्थान ने शुगर के ऊपर, जैसा कि इंसुलिन जिस रोगी का चल रहा हो, बिल्कुल ही 1.5 महीने के अंदर इंसुलिन बंद करवा देंगे रोगियों का जी जी। जिसकी शुगर 500-600 तक गई है, 20 दिन के बाद इंसुलिन की डोज कम हो जाती है जी जी, यहाँ संस्थान के माध्यम से। तो जो रोगी शुगर इंसुलिन में अपनी उम्मीद हार चुके हैं, बोले अब तो थक गए, इंसुलिन तो पूरी ज़िंदगी भर लेना ही पड़ेगा, सुओं का दर्द, इंजेक्शंस का दर्द तो खाने से पहले लेना ही है, तो उस दर्द को ख़त्म करवा देंगे। तो रोगी यहाँ ज़रूर संपर्क करें, हिम्मत ना हारें, जिनकी इंसुलिन चल रहे हैं। दूसरा, जिनका हार्ट में कोई भी समस्या है, हार्ट में ब्लॉकेज है, रुकावट है, कुछ भी है जी जी, तो वो रोगी एक बार यहाँ ज़रूर पहुँचें। ब्लॉकेज को बिना ऑपरेशन, बिना स्टन, बिना छल्ला डालें, यहाँ पे रोगियों को ठीक किया जाएगा जी। तो जितने भी रोगी 95% तक ब्लॉकेज के हैं, वो रोगी भी यहाँ संस्थान में संपर्क कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। कहते हैं ऑपरेशन करवाना ही है तो लास्ट में करवा लें भाई, काफ़ी रोगियों का हो जाता है, बोले जी नहीं, मैं तो ये हो जाएगा, वो जिस दिन का बुलावा इन्होंने लिख दिया शायद वो जाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अपने शरीर को क्यों कटवाएं भाई। यदि सहारा लेना ही पड़े, मैं अपनी भी गारंटी नहीं लेता, हो सकता है मुझे भी कहीं किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन वो लास्ट की बात है भाई। सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं, शायद उनकी जो ना सेवा का मौका मिले, हमें जाना पड़े, लेकिन वो तब की बात है जब बिल्कुल सब रास्ते बंद हो जाते हैं जी। तो जब तक साधन है, जब तक एक अपॉर्चुनिटी हमें लग रही है कि शायद ये उम्मीद है, तो उस उम्मीद पे हमें कार्य करना चाहिए। एक बार आएँ, 20 दिन में मात्र आपके कोलेस्ट्रॉल से लेकर हर चीज़ में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे जी। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, काफ़ी रोगी ये सोचते हैं, बोले जी इसमें आयुर्वेद तो बहुत लंबा चलता है, ये वो, ऐसी धारणाएँ होती हैं, लेकिन उस पर भी मैं एक प्रकाश डालना चाहूँगा। यहाँ संस्थान में मैक्सिमम 20 दिन या 1 महीना बस, यदि 1 महीने में जी, यदि 1 महीने में कोई रोगी कहता है जी 1% भी आराम नहीं हुआ मुझे, तो वो रोगी जहाँ मर्जी चला जाए, यहाँ से दवाई ना लें फिर। क्यों?
हो सकता है कि जो है ना उनको रिकवरी और ज़्यादा जल्दी चाहिए, या कोई रोग ऐसा है कि शायद उसको और जल्दी प्रोग्रेस की आवश्यकता है, तो यहाँ संस्थान खुद ही रिकमेंड कर देता है कि आप अपना या तो ऑपरेट करवाएं या कोई भी अन्य सहारा की मदद लें। यहाँ पे मतलब मिसगाइड नहीं किया जाता पैसे के लालच में कि अभी रोगी और आए और आए और आए, ऐसा नहीं कि वो लास्ट स्टेज तक पहुँच जाए। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ सुथरा सा है कि हम अपना प्रयास बेस्ट करेंगे लास्ट तक। एक और चीज़ जी, जैसे कैंसर जैसी बीमारी का ये लगता है जिसके शरीर में अंदर घुस गई उसको साथ में लेके जाती है। जैसे आपने कई दिन पहले वीडियो में बताया था कि कैंसर का इलाज ठीक किया है और हमारे पास में कैंसर का मजबूती से हमने जड़ी बूटी अपने आप खोज के इलाज किया और पेशेंट ठीक हुए हैं, क्या बात सही है? बिल्कुल अटल सत्य है। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, हमारे जो संस्थान में जो इलाज दिया जाता है किसी भी एक सिंगल रोगी को यहाँ पे मिसगाइड नहीं किया जाता। हम रोगियों से जो फीडबैक भी लेते हैं यहाँ पे, जब लाइव हम वीकली या 5 डेज में जब रोगियों से टच में जाते हैं फीडबैक के लिए, तो उसमें हम एक ही बात बोलते हैं रोगी से कि आप ये ना बताएं 100% में से मुझे जी 80% आराम है, आप सिर्फ हमें 60 ही बताएं। जी जी, गलत तो नहीं? तो वो 60 के ऊपर फिर हम कार्य करते हैं कि कहाँ क्या कमी रही है, उसके ऊपर फिर अलग से कार्य किया जाए। जैसे कि यहाँ से पूरे भारतीय ने पूरे विश्व में यहाँ से दवाइयाँ कोरियर से भी जाती हैं। जैसे कोई दूर का रोगी है बेचारा आने में असमर्थ है, तो उसके लिए हम यहाँ से कोरियर की सुविधा भी है, घर बैठे आप हमें अपना पूरा परिचय दें, पूरा विवरण देने के बाद हम यहाँ से दवाइयाँ आपके कोरियर से आपके घर पहुँचा देंगे, और फिर उसका रिजल्ट देखना कैंसर रोगी के लिए स्पेशली। जो सिर्फ 20 दिन की दवाई लेंगे आप, उस 20 दिन की दवा में रोगी खुद ये बोल देगा, जहाँ तक प्रभु की हमने कृपा देखी है, कि 20 ही दिन में रोगी कहेगा जी मुझे लगभग 30-40% आराम है, और मैं तो 30-40 को भी छोड़ता हूँ, मैं इतना कहता हूँ रोगी ये कह देगा कि जी मैं पहले से जीने लग गया, मुझे पहले से एक उम्मीद जगने लग गई कि शायद मैं ठीक हो जाऊँगा, तो वो उम्मीद यहाँ पर फिर से जग जाएगी, परेशान ना हो कहीं भी कैंसर हो। जी एक और है जी, आजकल बुजुर्ग हमारी माताएं बहन जो भी हैं वो भी कई बार यंग बच्चे उनके भी घुटनों प्रॉब्लम ऐसी होती है, लंगड़ा का चलते हैं और गोड्डों का ऑपरेशन तक भी बोल देते हैं उनका, तो उनके बारे में क्या इलाज बताएंगे? ऑपरेशन का ये हमने सिखाया, ये डॉक्टर्स की गलती नहीं कहूँगा, अक्सर वैद्य आचार्य वैद्य जिस दिन हमारे विश्व के एक हो गए ना, उस दिन कोई रोग की हिम्मत नहीं खड़े हो जाएंगे, ये परम सत्य कह रहा हूँ आज। वैद्य एक ऐसी चीज है, डॉक्टर्स भी एक मिल जाएंगे, आप BMS डॉक्टर हो मैं BMS हूँ सुपोज, तो आप और मेरी राय एक मिलेगी, पूरे किसी हॉस्पिटल में चले जाना सब जगह कहेंगे शुगर का कोई इलाज नहीं है। जी। तो कोई अंग्रेजी डॉक्टर ये नहीं कहेगा जी मैं इलाज कर सकता हूँ, सभी जगह यही कहेंगे कि जी मैं इलाज नहीं है एलोपैथी में। लेकिन इन केस ऑफ आयुर्वेदा यहाँ पे अलग अलग मत हैं, यदि एक गांव में भी 3 वैद्य हुए तो शायद उन 3 वैद्यों की भी आपस में बनती हुई नहीं मिलेगी, ये भी अटल सत्य हैं। तो जिस दिन हमारे वैद्य एक हो गए इस एटीट्यूड को छोड़ के कि जी मेरे पास जो है वो आप लें, आपके पास है वो मुझे सिखाएं, कि हम मिलजुल के हमें रोगों को हराना है, हमने एक दूसरे को श्रेष्ठ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना श्रेष्ठ किसको दिखाऊं, कोई श्रेष्ठ नहीं है सृष्टि में, तो इसलिए कहना एक ही चाहता हूं मैं कि वैद्य गण एक हो जाएं, जो ज्ञान है उसको एकजुट करें और फिर रोगों को भगाने के लिए, क्यों हमारा जो परम लक्ष्य है वो कंपटीशन नहीं है, हमारा परम लक्ष्य एक ही है, रोगों को दूर करना, लोगों को रोगों से विरक्त करना, लोग रोगों से मुक्त हो जाएं, वो हमारा लक्ष्य है, ना कि आपस में एक दूसरे से बहस करके उलझे रहें। सरकार से हमें एक प्रशासन जो एक बात हमेशा कहना चाहता हूं मैं, देखो कहते हैं बोले सरकार कुछ नहीं कर रही, आयुर्वेदा में सरकार ने बहुत कुछ किया, दिल्ली में इतना बड़ा एम्स खड़ा कर दिया उन्होंने आयुर्वेदा का, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या हो गया, ऑपरेशन की बात पे आऊँगा वापस में, हमारा लक्ष्य क्या हो गया, बोले जी एकदम से आराम होना चाहिए, यहाँ दर्द हो गया ना, बोले जी टाइम नहीं है, लंगड़ा के नहीं चला जाता, तो कोई ऐसी गोली दवाई सुहा दे दो फटाफट चल के घर जाऊँ, उस जल्दबाजी ने हमें ख़त्म कर दिया। अब जल्दबाजी बेटा डॉक्टर्स क्या करेंगे, वो या तो स्टेरॉइड ही देंगे और क्या इलाज है, इंजेक्शंस देंगे, उनको पता है, डॉक्टर्स खुद कहते हैं बेचारे कि भाई इसमें नुकसान है, लेकिन रोगी कहता है बोले जी नहीं लगा दो आप, तो ये हमने सिखाया, ऑपरेशन की नौबत हमने सिखाई, बोले जी दर्द सहन नहीं हो रहा, थोड़ा सा तो रोग एकदम से आता भी नहीं है, रोग एकदम से जाएगा भी नहीं, तो इसलिए जैसे पिछली वीडियो में 10 सेकंड में रिपीट कर दूंगा, किडनी का सर ने इलाज बताया था, गुस्से पर काबू पाना, बाथरूम रोकना और तीसरा सफ़ेद नमक से बचना, वो तो बताया था किडनी सेफ रखने के लिए, और एक अटैक का बताया था वो साफ साफ कैंसर के पेशेंट भी यहाँ ठीक हुए हैं मानव सेवा संस्थान चरखी दादरी के अंदर में। के लिए मैं एक बात दोबारा कहना चाहता हूँ, कैंसर ना है उसके लिए क्या करना है, देखो होने को कोई रोग किसी को हो जाए, लेकिन एक संभावनाएं बनती हैं कि यदि ये लेंगे तो नहीं होगा, उसमें हमने बताया हर एक रोगी को
काफ़ी लोग सात्विक हो जाते, बोले जी लहसुन नहीं खाने, अदरक नहीं खाने, प्याज नहीं खाते हम, ये लेकिन ये बात सीमित है। वैष्णवी अपनाए जो मर्जी करे, लेकिन हमें खाली एक चीज़ पे ध्यान रखना, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, उसके लिए अदरक लहसुन का सेवन करें। साथ साथ में हमने बताया कैंसर आए ना, उसके लिए क्या करें। अच्छा, तो एक चीज़ और भी है जी, जैसे पिछली वीडियो में हमने रिपीट की थी ये बात है, और आज कुछ दर्शक और नए जुड़ रहे हैं जी। कई बार दवाई जितने वैद होते हैं, आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, दवाई बनी बना लेते हैं। अपने पास में जनता को क्या बताना चाहेंगे, जड़ी बूटी औषधि लेकर अपने आप बनाते हैं या दवाई बनी बना लेते हैं आप भी? देखो मोस्टली आउट ऑफ 100 यदि बात करूँ तो 90-85% यहीं की दवाइयाँ मिलेंगी जो तैयार करते हैं जी। और नहीं मिलती, लानी पड़ती नहीं मिलती, समय पे तैयार नहीं हो पाती हैं, तो फिर हम आयुर्वेद के ही टच में जाएंगे। ये नहीं, देखो ये गलत है, एक कोई इलाज करा आयुर्वेद से, वो एलोपैथी भी लिए बैठा है बेचारा। हाँ, यदि डॉक्टर से अलग अलग सुविधा है, यदि होम्योपैथी का डॉक्टर बैठता है तो रखें, वो आप अपनी जो ना सुविधाएँ होती हैं जैसा जहाँ का जो है। लेकिन मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, यदि आयुर्वेद है तो आयुर्वेद रखें, साथ साथ यदि एलोपैथी का भी कोई कर रहा है तो एलोपैथी डॉक्टर बिठाएं अपना कार्य करें जी। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पे आयुर्वेद चिकित्सा है, कभी भविष्य में एलोपैथी आएगी तो फिर वो आगे की बात है। एक बार दर्शकों को दोबारा अपना यहाँ प्रॉपर लोकेशन, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जी और बताओ सर। यहाँ देखिए कैंसर का एक विषय छूट गया हमारा, वो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कैंसर आए ना, उसके लिए क्या करें, सबसे पहला तो कढ़ी पत्ते का सेवन करें, हर सब्जी में कढ़ी पत्ता जरूर डालें। दूसरा दालचीनी का प्रयोग अत्यंत करें। तीसरा गिलोय का सेवन हफ्ते में एक बार जरूर कर लें। कैंसर होने का मुख्य लाइन एक ही बता देता हूँ, मुख्य कारण क्या है कैंसर होना, वो कारण एक पूरा दर्शा देता हूँ मैं। लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कैंसर होती क्यों है, जी हमें तो पता ही नहीं चला। कैंसर हमेशा उसको होगी जिसकी किसी भी ऑर्गन की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब कि इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जैसे लीवर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई तो लीवर कैंसर 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। किडनी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो किडनी कैंसर होगा। तो इसलिए जिसकी इम्यूनिटी वीक हो गई ना, उसी का कैंसर हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शरीर की, पूरे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, कैंसर नज़दीक भी नहीं आएगी, कैंसर का कोई रोग नज़दीक नहीं आएगा। बाकी जानकारियों के लिए आप संस्थान में संपर्क करें, क्योंकि चिकित्सा से अलावा वैसे राय लेने में संस्थान कोई चार्ज नहीं लेता है, और नाड़ी परीक्षण में संस्थान आज बहुत ही अच्छे लेवल पे है। नाड़ी परीक्षण करवाएं खाली पेट आके अपना, और संस्थान का जो पूरा एड्रेस है, मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बदवाना चरखी दादरी हरियाणा, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी के बीच में गाँव है बदवाना, यहाँ पर आएँ। लगभग डेली की सीटिंग है यहाँ पर, और सुबह 8 से शाम 4। नाम सर जी? मेरा जो नाम है संस्थापक शिव प्रकाश, मानव सेवा संस्थान से जी। और यहाँ का जो संपर्क सूत्र है 8168498921। दूसरा जो नंबर है 8059441652। निराश ना हो, स्वस्थ रहें, संस्थान में संपर्क जरूर करें। वंदे मातरम, जय हिंद। जैसे कि बताया संस्थापक जी ने, मानव सेवा संस्थान चरखी दादरी आज बाबा के चरणों में बैठे हैं, लाखों दर्शकों की, पेशेंटों की दुआएं इनके साथ हैं। हम भी परमपिता परमात्मा से कामना करेंगे, हारे के सहारे उनके चरणों में बैठे हैं, और यूं ही इनके ऊपर कृपा बनी रहे, लोगों की सेवा करें, दुआएं पाए। थोड़ा कहने को ही ज़्यादा समझना, जितना शेयर करेंगे उतने ही हमारी मातृशक्ति भी और तमाम जनता भी निरोगी काया रहेगी। थोड़ा कहने को ही ज़्यादा समझना आप लोग, और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार जी।